खबर रीवा जिले से है, जहां उत्तराखंड के सांस्कृतिक व पर्यटन मंत्री सतपाल महाराज द्वारा अपने समधी और पूर्व मंत्री पुष्पराज सिंह के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया को 6 माह पूर्व ज्ञापन दिया गया था, जिसमें मांग की गई थी कि हवाई यात्रा में स्थानीय व्यंजन दिए जाएं। उसी बात के चलते सतपाल महाराज ने देहरादून में एक सम्मेलन में उत्तराखंड के व्यंजन विशेषज्ञ को बुलाकर इस बात को आगे बढ़ाया है तथा दूरभाष से अपने समधी पुष्पराज सिंह से बात की है कि इस क्षेत्र के व्यंजन को वह भी बढ़ावा दे और शीघ्र सिंधिया और जयकिशन रेड्डी भारत सरकार के पर्यटन व संस्कृत मंत्री से मिलकर इस बात को आगे बढ़ाए। यह जानकारी महाराजा पुष्पराज सिंह ने पत्रकार वार्ता का आयोजन कर दिया है। आइए सुनाते हैं महाराजा पुष्पराज सिंह ने क्या कहा है। ये मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग ने छापी है। 6 महीने 7 महीने पहले हम माननीय सतपाल महाराज जी के साथ में माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया भारत सरकार के उद्यान और इस्पात मंत्री से मुलाकात करें और उनको एक बहुत ही नवीन एक विचार प्रस्तुत करा, जहां पर हम लोगों ने कहा कि जो हमारा क्षेत्रीय खाना है, जिसको हम रीजनल क्विजीन कहते हैं, उसको हम प्लेन में इन हाउस फ्लाइट केटरिंग के माध्यम से हम इंट्रोड्यूस करें, उसको हम कहीं ना कहीं से परिचित लोगों से करवाएं। मैंने हमेशा ये बात कही है कि जो हमारा रीजनल क्विजीन है वो है खेत से पेट, फ्रॉम सॉइल टू स्टमक। तो जो हम खेतों में उगाते हैं वही हम थाली में परोसते हैं। तो उसमें आज से लगभग 3 दिन पहले आदरणीय सतपाल महाराज जी ने उत्तराखंड में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट IIHM के कम से कम 3 शाखाओं के लोगों को, मैनेजिंग डायरेक्टर्स को बुलाकर, लगभग वहां के 10 से 12 होटेलियर्स को बुला के, ढाबे वालों को बुलाकर लगभग 120 उत्तराखंड की डिशेस एकत्र करी हैं, जिनको उन्होंने कहीं ना कहीं से लिखा है और उसको लिखने के बाद अब उसको प्रस्तुत वो करने जा रहे हैं माननीय सिंधिया जी को। उसमें मुझे भी कहा कि आप भी अपना कर लें। तो हम लोग लगभग बघेली व्यंजन और बुंदेली व्यंजन मिलाकर 130 डिशेस लिपिबद्ध कर रहे हैं और उनको लिखने के बाद, उनको कहीं ना कहीं से नोटिफिकेशन करने के बाद हम लोग ले जाकर माननीय सिंधिया जी को ये देंगे, और जिसमें उद्देश्य ये रहेगा कि उनके माध्यम से सारे जितने भारत के अंदर जहाज उड़ाने, विमान उड़ाने वाले कंपनीज हैं, उनसे बात करेंगे। हम उन लोगों से बात करेंगे जो फ्लाइट में टिकट बुकिंग करते हैं, ऑनलाइन टिकट बुकिंग करते हैं, उनसे हम बात करेंगे। हम भारत के फूड ब्लॉगर्स से बात करेंगे जो भोजन के बारे में लिखते हैं, और उनसे बात करेंगे कि पूरे उन क्षेत्रों में जा जाकर उन भोजनों के बारे में लिखकर लोगों की जानकारी और ज़्यादा बढ़ाएं, जिससे लोगों को मालूम पड़े कि अगर उनको बघेलखंड आना है तो यहाँ किस प्रकार का व्यंजन होता है, कौन सा व्यंजन होता है, क्या होता है। अगर उनको उत्तराखंड जाना है तो उत्तराखंड में, अगर उनको गढ़वाल तरफ जाना है तो गढ़वाली खाना क्या होता है, अगर उत्तराखंड में जाना है और हमारे मसूरी और इस तरफ जाना है तो वहाँ का क्या होता है, एकदम ऊपर पहाड़ों का जो खाना होता है वो क्या होता है, हमारे तराई का खाना जो होता है जहाँ कॉर्बेट नेशनल पार्क या राजा जी नेशनल पार्क है वहाँ का क्या होता है, उसी प्रकार से हमारे विंध्य में क्या, किस प्रकार का खाना होता है, हमारा बुंदेली खाना किस प्रकार से होता है, जो मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड का क्षेत्र है उसमें क्या रहता है, जो उत्तर प्रदेश में है उसका क्या रहता है, उसी प्रकार से हमारे विंध्य क्षेत्र में हमारे ट्राइबल्स का खाना क्या रहता है, हमारे रीवा और सतना और सीधी के बीच के लोगों का क्या भोजन रहता है और वो क्यों रहता है। ठीक है, गेहूं हमारा जा रहा है, नॉर्मल सेल कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन हमारी चने की भाजी है, हमारा इंद्रहार है, इंद्रहार के लिए हमारी सारी दालें आती हैं, लगभग 5 दालें आती हैं, वो एक हमारी स्पेशलिटी है। तो एक बात, तो एक तरफ उसको रोज़गार ज़्यादा मिल रहा है, उसकी हम खरीदी अच्छी तरीके से ले रहे हैं नंबर एक, और उसकी खरीदी को एक ब्रांड मार्केट दे रहे हैं, एक बात। बहुत बढ़िया आपने प्रश्न करा। दूसरी बात, जब भी कोई व्यक्ति
जब भी कोई व्यक्ति आता है, जैसे वो बांधवगढ़ जाना चाहा, तो बांधवगढ़ अगर वो जाना चाहा तो उसने केवल हम उसको बाघ के बारे में बात करते हैं, अगर हमने उसको भोजन के बारे में भी बात करी तो बाघ के लिए जंगल तो वो गया केवल 3 घंटा उसने देखा, अब बाकी के वो सारे 18 घंटा क्या करेगा, सोने की बात छोड़ दीजिए। तो वो अगर हम उसको एक अच्छा भोजन उपलब्ध कराते हैं और वो कहते हैं कि ये यहाँ का भोजन है, तो उसका लिंक एस्टैब्लिश होता है। मैं अब पूरे बहुत समय लग जाएगा लेकिन एक बात कहूँगा कि आज पूरे विश्व में जो रीजनल भोजन है वही भोजन आज पूरे विश्व का भोजन बन गया है। आप चाहे पास्ता लें, चाहे आप नूडल्स लें, चाहे आप रशियन सैलेड लें, तो रशियन सैलेड को हम बघेली सैलेड क्यों नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो रशियन सैलेड है, क्योंकि वो रशियन सैलेड है। अगर हम कोई फिशेज लें तो वो फिश आपको अमेरिका में क्यों ऐसी मिलती है और हमारे यहाँ क्यों नहीं मिलती है, या वो फिश गंगा में ऐसी मिलती है और नर्मदा में ऐसी नहीं मिलती है, वो फिश नर्मदा में मिलती है तो आपके गोदावरी और कृष्णा में नहीं मिलती है, ये उसका एक बहुत बड़ा कारण बनता है जिससे वो कहीं ना कहीं से आज जुड़ता है। जैसे आज हम बर्गर लेते हैं, बहुत अच्छी बात आपने कही, चिकन बर्गर अलग हुआ, अमेरिकन बर्गर अलग हो गया। पिज़्ज़ा की बात करें तो पिज़्ज़ा जो मैक्सिकन पिज़्ज़ा बनता है वो उसकी बनावट अलग तरीके से होती है, जो यहाँ यूरोप में बनता है पिज़्ज़ा उसकी, इटालियन पिज़्ज़ा उसकी बनावट अलग तरीके से होती है। तो इसलिए हम लें कि हम उस क्षेत्र से जब जुड़ने जा रहे हैं तो समग्र रूप से जुड़ने के लिए भोजन सबसे अच्छा माध्यम है। आपने अभी बताया हैं जो एकदम पेरिश हो जाते हैं, जो ख़त्म हो जाते हैं, 24 आवर्स से ज़्यादा हम नहीं रख सकते, दूसरे होते हैं जो 3-4 दिन के लिए रखे जाते हैं, तीसरे होते हैं जो हम कुछ समय तक रख सकते हैं और फिर हम उनको दे सकते हैं, पांचवें होते हैं जो जैसे आजकल एयरलाइन में मिलने लगे हैं कि आपको पोहा मिलेगा, आप उसमें गर्म पानी डाल दीजिए आपका पोहा बन जाएगा, उपमा आपको चाहिए तो आपको उपमा मिल जाएगा, उसमें गर्म पानी डाल दीजिए आपको उपमा मिल जाएगा। हम लोग भी इसी तरीके से जा रहे हैं, लोकल डिशेज पहले आउटलाइन हो जाएगी कि कहाँ हम देंगे, वहाँ के लोगों को जाकर हम ट्रेन करेंगे, जो इन फ्लाइट हाउस किचन है उनको हम जाके ट्रेन करेंगे, तो वो उसी समय तत्काल बनाकर 12 घंटे पहले या 8 घंटे पहले वो जाके वहाँ दे देंगे, सो दैट आपको गर्म चीज़ मिल जाए। आप अनुज को प्रमोट कर रही है, क्या इनसे आपका कुछ वो नहीं? देखिए अभी जो हम एयरलाइन की बात कर रहे हैं तो हम एयरलाइन से बात करेंगे, नहीं तो क्या अपने एमपी में एयरलाइन नहीं है क्या? अरे भाई तो आप आपको मैं वही बता रहा हूँ कि एयरलाइन जिसके अंडर में होता है उससे बात करेंगे कि एमपी से बात करेंगे, अभी एमपी के का नाम आएगा तो हमने अभी जो माननीय ज्योतिरादित्य जी से बात कर रहे हैं ये एक बहुत लार्ज कॉन्सेप्ट है, निश्चित रूप से इसमें 2 एयरपोर्ट तो सीधे सीधे उत्तर प्रदेश से आ रहे हैं, तो फिर आप कहेंगे योगी से बात करें, ये आप ये बातें यहाँ प्रासंगिक नहीं है। प्रासंगिक ये बात है कि उनसे मिलकर और फिर जहाँ जहाँ उपयुक्त लोग हैं उनसे सबसे मिलकर, जहाँ मध्य प्रदेश सरकार की जरूरत पड़ेगी उनसे, जहाँ उत्तर प्रदेश सरकार की जरूरत पड़ेगी उनसे मिलकर। जैसे अपन जो आते हैं यात्री लोग इन फ्लाइट उनको देंगे, जो अपनी फ्लाइट टिकट बुक करने के टाइम में वो तय कर लेते हैं कि उनको क्या खाना है। ये व्यंजनों के अलावा तो ये जो हमारा काम है जो हम और सतपाल महाराज जी कर रहे हैं वो व्यंजनों पर है, कल्चर एक अलग डिपार्टमेंट है, वो एक अलग तरीके से कर रहा है, वो बहुत वो भी कर रहा है, बिल्कुल करा जा सकता है, बिल्कुल करा जा सकता है, भोजन के साथ अपना वो एक अलग प्रश्न है, वो एक अलग प्रश्न है, उसके लिए अलग फोरम होगा और उसके लिए अलग बात करी जाएगी, बिल्कुल।